अस्सलामुअलैकुम, मैं यूट्यूबर नहीद आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। मैं बना रही हूँ गोश्त और दाल, चने की दाल है ये वाली, जो बनाना बहुत ही आसान है। चले करते हैं रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले मैंने प्याज चुनसा है, इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है ऑयल डाल के। इसे हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद इसमें लहसुन चुनसा है वो ऐड। अब मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, प्याज जो सा हल्का सा फ्राई कर लिया था, अब मैं लहसुन इसमें डाल के फ्राई करूँगी। और जो सा गोश्त है वो मैंने एक साइड पर बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, वो भी हो चुका है। अब इसमें मैं दाल जो सी है वो बॉयल कर लूँगी प्रेशर कुकर में। तो ये देखिए मैंने गोश्त जो से वो निकाल लिया है, और जो सी अब दाल है वो दूसरे चूल्हे पर रख दी है बॉयल करने के लिए। अब लहसुन और प्याज जो से वो हो चुका था फ्राई, तो अब इसमें मैं डालने लगी हूँ अदरक टमाटर मिर्चों का पेस्ट, जो सा मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है तो ये डाला है। साथ में अदरक थोड़ा सा ज़्यादा वैसे कश करके डालूंगी, और साथ एक टमाटर जो है वो डालूंगी, तो बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें मैंने अदरक डाल दिया है, साथ मैंने टमाटर एक कट करके डाल दिया है, क्योंकि जो मैंने पेस्ट बनाया है उसमें टमाटर जो से वो कम है, और जब गोश्त बनाती हूँ मैं तो टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो इसमें एक टमाटर मैंने डाल दिया है। साथ मैंने थोड़ा सा अदरक जो है वो कश करके डाल दिया है, और जो सी दाल है वो बॉयल होने के लिए मैंने रखी हुई है वो भी हो रही है बॉयल। और इधर मैं स्पाइसी चीज़ें जो सी अंदर डाल रही हूँ, नमक डाला है। इसके बाद फिर मैं इसमें लाल मिर्च जो सी वो डालूँगी, हल्दी डालूँगी, और थोड़ा सा काली मिर्च डालूँगी, कलौंजी डालूँगी, साथ फिर कसूरी मेथी जो सी वो डाल दूँगी, तो ज़ीरा डालूँगी, और ये तमाम चीज़ें जो सी इसमें डाल के इसे करूँगी अच्छे से मिक्स। जब ये उल छोड़ देंगे तो फिर इसमें मैं डालूँगी गोश्त जो सा मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, वो गल तो चुका है लेकिन उसे सिर्फ थोड़ा सा मैंने 2 सेकंड के लिए सिर्फ इसमें फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें जो सा गोश्त है वो मैं ऐड कर दूंगी, गोश्त मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, तो अब मैंने दाल जो सी है चने की वो बॉईल होने के लिए रखी हुई है, तो जब वो बॉईल हो जाएगी वो भी इसमें डाल दूंगी। इतनी देर में इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। अब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है, दही ऐड करने से ये होता है कि चिकन जो चिकन हो या कोई भी गोश्त हो वो अच्छे से गल जाता है, और इसे मैं अच्छे से इसमें फ्राई करूँगी, और इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इसमें मैंने दही डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, दाल जो सी है वो भी तकरीबन हो चुकी है बॉयल, तो अब मैं इसमें कर दूँगी ऐड दाल, वो चने की दाल है, उसे मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया था ताकि वो अच्छे से बॉयल हो जाए। अगर आप इस तरह दाल अलग बॉयल कर लें तो जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छे से बनती है। दाल जो सी वो बॉयल हो चुकी है, इसे मैंने कर दिया है मसाले में ऐड कर दिया है। अब इसे मैं करूँगी अच्छे से फ्राई, और फ्राई करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं रखूँगी, और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूँगी, ऑयल आप जो सा मर्ज़ी डाल सकते हैं। तो मेरी दाल जो सी वो बनकर तैयार हो जाएगी, और ये थी मेरी रेसिपी, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, जो न्यू है सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।